तो आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यस, डेविस फॉल। यहाँ से थोड़ा ही दूर है डेविस फॉल, पोखरा का एक अच्छा जाना माना अट्रैक्शन है, तो वो देख के आते हैं डेविस फॉल। सर ये पहुंच गया है डेविस फॉल, यह है स्टार्टिंग पॉइंट। ₹80 पर पर्सन। ये है यहाँ का छोटा सा मार्केट। नीचे उतरना पड़ेगा। हाँ? नीचे उतरना। तो नीचे उतरना है। फॉल तो ऊपर होता है ना। ये नीचे है। क्या कर रहे? नवा फॉल है। सही है। क्या है जब किधर भी दिक्कत नहीं है। क्यों इधर आपके ऐसा क्यों ना? ऐसा क्यों नेपाली बोलना? अच्छा अच्छा ये पहुंच गए हम डेविस फॉल। दो पहाड़ों के बीच से ही छोटा सा झरना आ रहा है। तो इसका डेविस फॉल को क्या कहते हैं, इसके पीछे छोटी सी कहानी है। कहानी ऐसा है कि 31 जुलाई 1969 में एक स्विस कपल था, मिस्टर एंड मिसेस डेविड। वो यहाँ स्विमिंग कर रहे थे और अचानक से मिसेस डेविड काफ़ी आगे चली गई और ओवरफ्लो में डूब के उनकी डेथ हो गई थी। उनकी बॉडी आज तक रिकवर नहीं हुई। तो मिसेस डेविड के फादर के विश थे कि इस वाटरफॉल का नाम उनकी बेटी के नाम पर डेविड फॉल रखा जाए, लेकिन बाद में ये डेविड फॉल से करते करते डेविस फॉल हो गया। एनीवे ये है छोटी सी कहानी कि इसका नाम डेविस फॉल क्यों हुआ। बहुत सुंदर है और मज़े की बात, पोखरा सिटी के अंदर एक वाटरफॉल बना हुआ है। स्विमिंग पूल में जो एंट्री फी है वो है ₹80 मतलब नेपाली रुपये। और रुजुल भाई और हम लोग हैं यहाँ पे, तो देखो यार क्या सही है। अभी हालांकि ये पूरा उन्होंने बंद कर दिया उसके बाद से, तो हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अब बाहर से ही यहाँ के नज़ारे के लुफ्त उठाइए। क्या डेंस ग्रीनरी है और यहाँ आपको एक अलग से फील महसूस होता है। तो ये है छोटा सा डेविस फॉल। ये डेविस फॉल के पास में ही हमारे महादेव विराजमान हैं। छोटा सा शिवलिंग बना है पहाड़ी के नीचे, शायद वो पूजा वगैरह करते होंगे यहाँ पे। पूरा ये रिजर्व एरिया है और लगभग हर साइड से बंद कर रखा है इन्होंने। तो बस अब हम लोग जाने लग रहे हैं वापस, सीढ़ियाँ चढ़ के जाएंगे बाहर। और सामने छोटा सा मंदिर है, तो मंदिर देखते होंगे भगवान के। क्या बोल रहे हो? डेविस फॉल। ये वाला है क्या?
तो बस ये डेविस वाटरफॉल के पास में ही है, छोटा सा तो नहीं है, बहुत बड़ा एक मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। और यहाँ एक बड़ी गुफा है जिसके लिए ये बहुत फेमस है, तो बस हम लोग वहीं आए हैं, गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर। पूरा घूम के आओ नीचे केव के अंदर। ओके आप जाके आओ देखता, चलो तो मुझे कुछ खबरा बन सकती है। अच्छा अच्छा चलो फिर सफर के चल। हाँ सफर के चल जाता है, कोई बात नहीं बैठो। सोटा मत मारना यहाँ पे। नहीं इधर नहीं मारना। ना वीडियो ना फोटो। नहीं अंदर अलाव नहीं है ना, अचानक ले लेना। ये है गुप्तेश्वर महादेव की केव। यहाँ एक्चुअली दो गुफाएं हैं, ये पहली नेचुरल गुफा है जो तकरीबन 100-200 मीटर के आसपास होगी, और एंट्री फी जो है वो 30 रुपीज़ नेपाली रुपीज़ है। और इसके बाद एक गुफा और है जो बहुत गहरी और डार्क है, उधर हम नहीं जा रहे। और यहाँ एक जो नेचुरल शिवलिंग मिले थे यहीं विराजमान है, ये देखिए नीचे का रास्ता। नीचे मैं नहीं जा रहा क्योंकि रास्ता बहुत स्लिपरी है, और जो मैंने शूज़ पहन रखे हैं वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है गीले रास्ते में चलने के लिए। तो दूर से ही मैंने महादेव को प्रणाम कर लिया। और ये देखिए पूरा नेचुरल केव है ये गुप्तेश्वर महादेव की। थोड़ा सफोकेशन है तो ज़्यादा खड़ा नहीं रह पा रहे, तो बस वापस निकलते हैं। तो बस केव देख ले चलते हैं, बहुत सफोकेशन है यहाँ पे, ऑक्सीजन का जो लेवल है कम है बहुत, और चलने में प्रॉब्लम, तो निकल जाते हैं यार। पानी भी क्या टपक ही रहा है, तो बेटर है टाइम पे भाई निकल जाओ। है गुप्तेश्वर महादेव की केव। मंदिर करना तो भी डरो नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं, मैं करता हूँ। हालांकि यहाँ अंदर कैमरा वगैरह अलाउ नहीं है ऐसा लिखा है केव के गेट पे, लेकिन सभी लोग वीडियो वगैरह कर रहे थे तो मैंने भी हिम्मत की और अपना कैमरा निकाल लिया। यार आप लोगों को ये दिखाना तो बनता है ना, तो बस किसी ने रोका नहीं मेरे को, एक गार्ड था उसने देखा मुझे लेकिन कुछ बोला नहीं, तो मैं भी चुपचाप वीडियो करके निकल आया हूँ, आ गया हूँ बाहर। ये है मेन मंदिर।
गुप्तेश्वर महादेव चलते हैं ऊपर सब। हो गया डेविस फॉल, हो गया गुप्तेश्वर महादेव की गुफा हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे। समय ही तो है क्या हमारे पास में। हमारी पटपटी आ गई